ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर एक के बाद एक कई आरोप लगे थे। उनका फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर यूपीएससी परीक्षा देने और फर्जी तरीके से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कोटे का लाभ लेने का आरोप है। अब महाराष्ट्र की पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। कोर्ट ने पूजा की अदालत में मौजूदगी पर सवाल उठाए। कोर्ट ने इस बात पर भी असंतोष जताया कि वह अनुपस्थित थी। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी पूरे सेशन में एक बार भी मौजूद रहती है तो उसे हमेशा अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। यूपीएससी ने कहा कि पूजा खेडकर का मामला अकेला ऐसा केस है जिसमें यूपीएससी उनके दावेदारी की पहचान नहीं कर सका, क्योंकि पूजा ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने माता पिता का नाम भी बदल लिया था। यूपीएससी ने कहा कि उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों की शुरुआती जांच से ये साफ हो चुका है कि पूजा खेडकर ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी सीएसई 2022 के नियमों का उल्लंघन किया। इससे पहले बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगला ने पूजा खेडकर द्वारा दायर अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। खेडकर ने अपने वकील के माध्यम से दायर अर्जी में दावा किया कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है। वहीं अभियोजन पक्ष ने अर्जी का विरोध करते हुए दावा किया कि उन्हें व्यवस्था को धोखा दिया है। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान खेडकर ने कहा कि वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम जमानत चाहती हैं। यूपीएससी ने 18 जुलाई को पूजा खेडकर को इसी सिलसिले में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था और पूछा था कि आखिर उन्होंने कैसे फर्जी तरीके से अपनी पहचान बदलकर लिमिट से ज्यादा बार यूपीएससी की परीक्षाओं में हिस्सा लिया। उन्हें अपना जवाब देने के लिए 25 जुलाई तक का वक्त दिया गया था। हालांकि पूजा ने फिलहाल जवाब देने के लिए 4 अगस्त तक का वक्त मांगा है, जिस पर यूपीएससी ने उन्हें 30 जुलाई की दोपहर 3:30 बजे तक का समय दिया था ताकि वो अपना पक्ष रख सके, लेकिन इसके बावजूद पूजा ने अपनी बात नहीं रखी और तब यूपीएससी ने ये फैसला लिया। उधर पूजा खेडकर की ओर से पेश वकील बीना महादेवन ने अदालत से कहा कि मैंने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है, इसलिए मेरे खिलाफ ये सब हो रहा है। ये सब जिलाधिकारी के इशारे पर हो रहा है जिनके खिलाफ मैंने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। उस व्यक्ति ने मुझे एक निजी कमरे में आकर बैठने को कहा। मैंने कहा कि मैं एक योग्य आईएएस हूं और मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम जमानत का अनुरोध कर रही हूं। बता दें कि यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की। पूजा पर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया था।